मॉर्निंग सुबह हो गई है, सुबह के तकरीबन अभी 7 बज रहे हैं और हम ठहरे हैं बहरीन में। आज हमने खैमा नहीं लगाया, आज हम एक होटल में ठहरे हैं और कमरा बहुत बड़ा कमरा है, ये देखें। ओ सॉरी, मदियन में ठहरे हैं। और दूसरी बात कि हमने ये जो है ना अपने बिस्तर अपने बिछाए हुए हैं, देखें। ये हमारे एक दोस्त जो है ना अभी सो रहे हैं और एक दोस्त ये भी सो रहा है। और ये देखें, हर तरफ जो है ना कमरे के हर तरफ लाशें बिछी हुई हैं, लाशें। तो मैं आपको इस कमरे का जो है ना बाहर का व्यू भी आपको मैं दिखाता हूँ। बारिश हो रही थी सुबह सुबह, कमरे के बाहर का व्यू देखिए। वो देखें, वो नाशपाती की दरख्त है, छोटी छोटी उसके ऊपर ना नाशपाती भी लगी हुई है। और ये कुछ हमारे दोस्त जो है ना मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के फुल नज़ारा कैप्चर कर रहे हैं। और तो हाँ भैया, अभी हमने तैयारी कर ली है, मदियन होटल पे ठहरे थे, नाइट हमने यहाँ गुजारी। और अब हमारा जो इरादा है यहाँ से आगे जाने का, वो है मालम जब्बा। मालम जब्बा जिप जैक है, उस पर थोड़ा एडवेंचर करने को बहुत दिल कर रहा है। और यहाँ से मालम जब्बा का जो सफ़र है वो तकरीबन होगा, कन्फर्म नहीं अंदाज़ा, वो हमें 2-1 घंटे तकरीबन जो है ना मदियन से मालम जब्बा तक लगेंगे। और रास्ता भी बहुत खूबसूरत है और नज़ारे भी बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को भी साथ साथ दिखाए जाएंगे। और ये देखें, हमारी बब्बर शेरनी ये सफ़र करने के लिए तैयार है। और कुछ दोस्तों ने अभी तक सामान जो है ना नहीं बांधा मोटरसाइकिलों पर, वो भी सामान बांध रहे हैं। और ये हमारा एक बाइक है, इसके ऊपर भी हमने सामान बिल्कुल बांध दिया है। और दोस्त बाहर भी जो है ना सामान मोटरसाइकिलों के ऊपर बांध रहे हैं। और चंद ही मिनटों के बाद हम इंशाल्लाह यहाँ से निकलने वाले हैं। ये मदियन बाज़ार से अभी हम निकल रहे हैं। मदियन बाज़ार का क्या व्यू है, बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है, दरिया के बिल्कुल साथ है। और सामने का आप मौसम देखें, बहुत ब्यूटीफुल मौसम है। ख्वाजा ख़याल जाएंगे, ख्वाजा ख़याल से आगे जो है ना हम आलम जब्बा की तरफ निकलेंगे। और दूसरे नंबर पर अब मैं आ गया हूँ, मेरे सारे फ्रेंड जो है ना मुझसे पीछे रह गए हैं। ख्याल करो हमारा, हम बच गए भैया, बाल बाल बच गए भैया। अगर कोई दोस्त आए सवाद से कलाम की तरफ तो रोड तो भाई बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त रोड बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप सीधा कलाम आएंगे सवाद से तो ये तकरीबन 100 से 90 किलोमीटर है। और मोटरवे है भैया, ये देखें मोटरवे। जब मैं पहली दफ़ा आया था यहाँ, फेस्टिवल मेला लगा था कालाम में 2012 में, तो भाई रोड की कंडीशन ऐसी थी कि क्या बताऊँ, इतना गंदा रोड था कि ना ख़त्म होने वाला सफ़र। वो सफ़र जो मैंने किया था ना, वो ना ख़त्म होने वाला सफ़र था। अब भी मुझे याद आ जाए तो वो सफ़र मुझे जो है ना बड़ी दिक्कत देता है कि वो सफ़र ही क्या सफ़र था। जब हमने सवाद से जो है ना कालाम की तरफ सफ़र किया था, और वो सफ़र, ये हमारे फ्रेंड हैं जनाब, डॉक्टर साहब हैं, और ये आगे निकल गए हमसे। अब मैं दूसरे नंबर पे आ गया हूँ और ये एक और बाइक हमसे आगे निकल गई है। और ये तीसरी बाइक भी हमसे आगे निकल गई है। और साथ दरिया का व्यू देखें भाई आप, क्रेन लगी हुई है मेरे ख्याल में, मट्टी निकाल रही है नीचे से ना। और ये रहीमाबाद आ गया है, आगे शहर, एक छोटा सा शहर है रहीमाबाद जिसका नाम है। तो हाँ भैया, ये है ख्वाजा ख़याल बाज़ार, बहुत रश है, ट्रैफिक भी जाम है। ओ रक्शे वाले भाई एक मिनट, तो बहुत रश है, ट्रैफिक भी तकरीबन जाम है, लेकिन आपको पता है कि मोटरसाइकिल तो कहीं ना कहीं से निकल जाता है। तो कोई दोस्त अगर यहाँ से बिशाम की तरफ जाना चाहे तो ये ख्वाजा ख़याल शहर के अंदर से एक रोड निकल रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बिशाम की तरफ जा रहा है। बिशाम से फिर आगे चलास से बाउसर टॉप, नारान,
اور کوئی دوست کردو گلگت جانا چاہے تو یہاں سے رستہ بھی نکلتا ہے سوات روڈ پہ. تو ابھی ہم خواجہ خیل سے تھوڑا آگے ایک ہوٹل ہے شایان ہوٹل ہے, اس پہ رکے ہیں, یہاں پہ ناشتہ بھی کرتے ہیں. اور دوست بھی پیچھے ہمارے ابھی تک جو ہے نا, دو موٹر سائیکل ہمارے ابھی تک نہیں پہنچے, ان کا بھی ویٹ کرتے ہیں. ہم ناشتہ کرتے ہیں. ناشتے میں کیا کیا ہے؟ ناشتے میں آلو گوشت ہے, دال چنے ہیں اور دال ماش ہے, آپ فرائی انڈ ہے, چکن پیس ہے, چکن ٹکا ہے, چکن کڑھائی ہے, اور بس سب کچھ ملتا ہے ادھر. ابھی ہم لاہور سلنڈا شہر پہنچے ہیں اور یہ مین چوک ہے. یہاں سے جو ہے نا مالم جبا کا راستہ نکلتا ہے. بابا جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ لگے گا. روڈ ٹھیک ہے؟ روڈ بالکل صحیح ہے. تو وہاں کوئی لفٹ وغیرہ سنا ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ آپ کا لگے گا موٹر سائیکل پہ وہاں تک, تو چلتے ہیں لیفٹ کو. ابھی ہم مالم جبا روڈ کے اوپر ہیں جناب, یہاں سے ایک گھنٹہ لگے گا ہمیں آگے. اور موسم بھی جو ہے نا مالم جبا کا سامنے نظر آ رہا ہو آپ کو شاید. آپ اذان ہو رہی ہے, تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اذان ہو رہی ہے, ایک بجے کا ٹائم ہے. اور یہاں پہ تھوڑی بہت گرمی بھی محسوس ہوئی ہے, سورج جب نکلا ہے تو تھوڑی بہت گرمی ہے یہاں پہ. تو مالم جبا کی طرف تو موسم کافی اچھا لگ رہا ہے, ٹھنڈ بھی ہوگی اور یہ نہ ہو کہ بارش ہو جائے. اگر بارش ہو جائے تو پھر تو موٹر سائیکل پہ برساتی وغیرہ ہمارے ساتھ ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں دوران سفر اگر موٹر سائیکل پہ بارش نہ آئے تو وہ ٹور جو ہے نا ہمارا ادھورا رہتا ہے. تو اللہ کرے بارش آ جائے. برساتیاں سب کے پاس ہیں, جتنے دوست آئے ہوئے ہیں برساتیاں نکال لیں گے, تھوڑا موٹر سائیکل کے اوپر بارش میں سفر کریں گے اور یہ نظارے اور اوپر سے بارش کا مزہ اور سفر ہے موٹر سائیکل کا. کیا بات ہے بھیا, یہ دریا ہے جناب ساتھ مالم جبا سائڈ کے آ رہا ہے اور اس کا کلر جو ہے نا بہت ہی گندا کلر ہے. لگتا ہے اوپر بارش ہوئی ہے, بارش کی وجہ سے یہ پانی جو ہے نا بہت میلا ہے. اور یہ دیکھیں جناب درخت ہے, جاپانی پھل کے جو ہے نا درخت لگے ہوئے ہیں اوپر, یہ دیکھیں. تو جناب یہ دیکھیں آپ میرے پیچھے جاپانی پھل کا باغ لگا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں جاپانی پھل ہیں ابھی کچے, بالکل کچے ہیں. اور یہ جب سے نکلے ہیں روڈ کے دونوں طرف پھول جاپانی پھل کے باغ لگے. یہ ہے جناب جاپانی پھل, بالکل کچا ہے ابھی, اس کو مہینہ دو لگے گا پکتے ہوئے. اور جب سے مالم جبا روڈ پہ آئے ہیں تو ہمیں جاپانی پھل کے باغ ہی نظر آئے ہیں روڈ کے دونوں طرف, ایک طرف نہیں دونوں طرف. اور یہ مجھے کوئی تھوڑا بہت پکا لگ رہا ہے, نہیں اس کے اوپر جو ہے نا یہ روڈ والوں نے تھوڑا کلر کیا ہے تاکہ کوئی اسے کھانے کی کوشش کرے توڑے. اور دیکھیں جناب ایک شاٹ کے چکر میں میرے دوست نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میں پچھلے ایک کلومیٹر سے پیدل چل کے آ رہا ہوں. وہ دوست ہی کیا ہوتا ہے جو کمینہ نہ ہو. تو آج انہوں نے میرے ساتھ کمینے پن کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے, موٹر سائیکل فل بھگا کے آگے لے گئے ہیں اور میں ہوں کہ ایک کلومیٹر جو ہے نا ہو گیا ہے مجھے پیدل چلتے چلتے. شکر ہے سامنے آگے رک گئے, نہیں تو آج تو میں پیدل چل چل کے تقریباً تھک ہی گیا تھا اب میں. تو یہ ہیں جناب, دیکھیں آپ ان کا حال دیکھیں اور ہاتھ ہلا دیں چھوٹے بچے. تو یہ جناب رہی میری موٹر سائیکل, چھوڑ کے آگے بھاگ گئے ہیں. نصرت فتح علی خان کی قوالی اور یہ حسین موسم اور یہ حسین وادیاں. تو رستے پہ ایک چھوٹا سا اور خوبصورت سا پوائنٹ نظر آیا ہے, دیکھیں چھوٹی آبشار اوپر سے نیچے آ رہی ہے, دیکھیں آپ.
बहुत ही खूबसूरत गांव बनाया सामने, कितने खूबसूरत डिजाइन बनाए हुए हैं कलर के साथ, बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्यारा गांव है, इसको जो डिजाइनिंग दी हुई है ना वो देखें आप, रेड कलर की, ओ क्या खूबसूरत डिजाइनिंग लग रही है। बहुत ही प्यारा गांव है भैया, इसके नाम का तो मुझे नहीं पता, अभी देखता हूँ किसी बोर्ड पे लिखा होगा, इतने क्यूट इतने खूबसूरत गांव का नाम तो जरूर बताना चाहिए आप सब दोस्तों को भी। नाम भैया कहीं भी नहीं लिखा हुआ, खूबसूरत गांव का। अभी हम मालम जब्बा पहुंचने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा सफ़र बाकी है, बिल्कुल हाइट पे पहुंच गए हैं और बादल भी बिल्कुल पहाड़ों के अंदर उतर आए हैं और हसीन मौसम है, हसीन वादी है मालम, सुभान अल्लाह क्या नज़ारा है। अगर आप सवात आएँ और मालम जब्बा ना आए, अगर आप सवात आए और मालम जब्बा ना आए तो फिर आए क्यों थे भाईजान। अभी मालम जब्बा नहीं पहुंचे, लेकिन आप बादलों का नज़ारा चेक करें, बिल्कुल बादल पहाड़ों के अंदर उतर आए हैं बिल्कुल। और एक वो होटल खड़ा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, गुलाई में बनाया हुआ, तो आगे चलते हैं। तो अभी हम मालम जब्बा पहुंच चुके हैं, फर्स्ट टाइम मैं जब आया था 2012 में तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं था। ये मेरे पीछे एक होटल नज़र आ रहा है आपको, यही एक होटल था, लेकिन ये भी इसकी भी हालत ऐसी थी कि दहशतगर्दों ने जो है ना इस होटल पे हमला किया था और इसको बम से बिल्कुल उड़ा दिया था। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी और चेयर लिफ्ट भी पीछे लग गई है अब तो। ये मेरे पीछे आप होटल का व्यू देखें, अब ये होटल दोबारा बनाया और यहाँ पे मुकम्मल पाकिस्तान आर्मी ने जो है ना, तो जिप लाइन के जो है ना 2500 रुपये टिकट के, और जो है चेयर लिफ्ट उसकी टिकट है 600 रुपये। तो अभी दोस्त आते हैं तो डिसाइड करते हैं कि हमने जिप लाइन पर सफ़र करना है या फिर चेयर लिफ्ट पर सफ़र करना है। तो अभी दोस्त मेरे पहुंचने ही वाले हैं, उनका मैं वेट कर रहा हूं। तो भैया बारिश शुरू हो गई है, मालूम जब आप मेन पॉइंट पर पहुँचते ही जो है ना दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे और ये बादल और ये अब बरसने को बिल्कुल तैयार हैं। अभी जिप लाइन पर हमने सफ़र नहीं किया और ना ही हमने चेयर लिफ्ट पर सफ़र किया है और बारिश शुरू होगी। इकबाल भाई कुछ कहना चाहते हैं आप सब दोस्तों को, तो सुनिए क्या कहते हैं। भाई है हाजी मोहम्मद हयाज साहब, ये बड़ी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, खुदा के लिए इसकी वीडियो सब्सक्राइब न करें और अनलाइक कर। ये दोस्त है, वो दोस्त ही क्या जो कमीना ना हो। आप क्या कहते हैं, आप कमीना बनना चाहते हैं? दोस्त हमेशा कमीना होता है। और आप? वैसे आपकी शक्ल है कमीने जैसी। और आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बारिश शुरू हो गई, अभी हमने बरसाती पहन लिए और अभी हम टिकट लेंगे और फिर यहाँ से जो है ना आगे जाएंगे। खान साहब ने बरसाती पहन ली है, खान साहब बारिश में आप कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत मज़ा आ रहा है जी बारिश में, और ये मालूम जब की बहुत अच्छी बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश, तेज़ नहीं है, इसका एक अपना मज़ा होता है। ओ इलियन नहीं होते जो ज़मीन पे उतर आते हैं, और ये उसी बिल्कुल उसकी कॉपी बना हुआ है, और एक इधर भी खड़ा है, ये इलियन है इलियन। और एक इलियन जो है ना, इलियन ये भी है, ये भी ये आसमान से उतरा है इलियन है। जल्दी का मुलाजिम है,
ऊपर टोपी करे ना यार, ओ टोपी करे ना, हेलो लगता बंद किया था मुलाजिम ने, बेल तक कितनी है टोपी करे ना यार ऊपर यार। तो अभी हमने टिकट वगैरह ले लिए है और अभी हम चेयरलिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। पता नहीं दोस्त ने टिकट ली है कि जिप लाइन की टिकट ली है या तो फिर चेयरलिफ्ट की, तो पता नहीं किस चीज़ की टिकट ली है भाई। चेयरलिफ्ट की तो जिप लाइन की क्यों नहीं ली यार? वो उस पर नहीं आने दे रहे इसलिए कि बारिश हो रही है ना, स्लिपिंग का मसला है इसलिए। तो जिप लाइन का ख्वाब जो है ना शायद हमारा अधूरा रह जाए वो इस वजह से कि बारिश हो गई है और बारिश में जो है ना वो जिप लाइन को जो है ना चलने नहीं दे रहे, तो शायद इसी वजह से हमारा ख्वाब जो है ना अधूरा रह जाए। तो देखते हैं, दो तीन घंटे इंतज़ार करेंगे शायद जो है ना जिप लाइन पर सफ़र करने दें। तो भाई एडवेंचर तो करना है, आए जो है इतने दूर से तो फिर एडवेंचर तो ज़रूर करना है। तो पीछे पीसी होटल है, ऊपर आप देख रहे थे बहुत बड़ा होटल है, तो यहाँ पे अलाउ नहीं है, लोकल आदमी यहाँ नहीं जा सकता। तो हम जो है ना ये नीचे से जा रहे हैं आगे चेयर लिफ्ट की तरफ जो है ना। पीसी होटल बहुत बड़ा होटल बन गया है और बहुत खूबसूरत होटल बन गया है पीसी होटल। तो कभी तो मैं भी जाऊँगा पीसी होटल और ये मेरा इस्तकबाल करेंगे, ऐसे सलूट लगाएंगे कि आएँ हम आपको वेलकम कहते हैं, आप हमारे मेहमान हैं और आप जाएं आप पीसी होटल पे। तो अभी तो इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, तो कोई बात नहीं यार, चलो भैया चलो आ जाओ भाई, ये भी एक एडवेंचर है। ओ भाई खुद नहीं नीचे आ रहा था और उसने पीछे से धक्का दिया है, फिर जो है ना ये आगे आया है। एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे जनाब, ऊपर से कोई अगर नीचे आना चाहे तो। मंजिल बहुत करीब है और अभी हम जो है ना चेयर लिफ्ट पे सवार होने वाले हैं, तो देखते रहिए आपको मज़ा आएगा चेयर लिफ्ट का सफ़र कैसा होता है। ख्याल करना भाई पीछे, और अब हमारा नंबर आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मौसम इतना आशकाना बना हुआ है कि क्या बताएं आपको। अगर आप मालम जब्बा आएं तो भाई चेयर लिफ्ट का ज़रूर सफ़र करें। तो आप उमर भाई, उमर दराज भाई क्या कहना चाहते हैं, एक पैगाम दें आप। बहुत मज़ा आ रहा है जी, ये एक बहुत ही हसीन सफ़र है और ये हमें याद रहेगा, और इस हसीन वादी में और ऐसे बादल और हम, क्या कहते हैं आप? आप अकेले क्यों, आपके साथ कोई नहीं है? ओ शेड यार, आप भी अकेले बैठे हैं। कुरान की आयत खत्म हो गई, जितनी याद थी। हाथ हिला दें, हाथ हिला दें भैया, हाथ हिलाते जाएं। कैसी फीलिंग है यार, बताते चले। ऊपर तो बारिश हो रही है। ओ मैंने तो भैया बरसाती पहनी है और मेरे साथ वाले भाई ने बरसाती नहीं पहनी और ऊपर सुना है कि बारिश हो रही है। इस्तकबाल कीजिएगा। तो ये जनाब अभी लैंडिंग करने वाले हैं और ये अभी ये इन्होंने लैंडिंग कर दी जनाब। जब आप मालम जब्बा चेयर लिफ्ट से उतरेंगे तो ये एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे चाय वगैरह खाना और सब कुछ मिलता है मेरे ख्याल में। तो ये एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे जिप लाइन का रास्ता भी इसी साइड से जाता है, लेकिन बारिश हो गई है, जो लोगों ने टिकट लिए हुए थे उनको जो है ना खाली वो वापस भेज रहे हैं। तो भैया इंतज़ार की घड़ियां अभी ख़त्म होने वाली हैं, आपके भाई के पीछे एक ऐसी क्रेन आने वाली है जो मुझे उड़ा के आगे ले जाएगी। अभी देखें वो पीछे आ रही है। जब हम बैठेंगे तो बैठ गए और ये हम बैठ गए जनाब, और अभी हमारा वापसी का सफ़र है। वापसी हमने कलाम, वापसी हमने मालम जब्बा उतरना है, फिर वहाँ से आगे बाइक निकालनी है और फिर वहाँ से आगे जो हमने जाना है मैंगोरा। तो अभी टाइम हो गया तकरीबन 4 बजे का, तो इंशाल्लाह
नाइट हो जाएगी और मोबाइल की बैटरी भी लो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक करें, अनलाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। बाकी सब बढ़िया है। बूम।